दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, यानी कि वोटर आईडी कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करके उसमें कैसे आपको नया मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो यहां पे मैं आपको अपडेट करने का कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं, कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है स्टेप बाय स्टेप और अपने वोटर आईडी कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल पे जाके सर्च करना है वोटर ECIGOV। आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है, वोटर ECIGOV। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट दिखाई देगा, voters.eci.gov.in। सिंपली आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन भी करना होता है। लॉगिन करने से पहले आप अपने उस नए मोबाइल नंबर के साथ इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लोगे, यानी कि नया फ्रेश अकाउंट बना लोगे। रजिस्टर करने के लिए आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे। अब जिस भी मोबाइल नंबर को आप अपने वोटर आईडी कार्ड में रजिस्टर करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, चेंज करके नया मोबाइल नंबर उसमें डालना चाहते हो, उसी मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पे साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे, यानी कि एक अकाउंट बनाना होगा। तो अगर आप इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर हो तो आप इसको चूज कर लोगे। अगर आप इंडियन ओवरसीज इलेक्टर हो, विदेशों में रहते हो, तो आप इसको चूज कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नया मोबाइल नंबर इंटर कर दोगे जो कि वोटर आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर करना चाहते हो। आप अपना ईमेल आईडी भी इंटर कर सकते हो, वैसे ये ऑप्शनल है। आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई देता है वो यहाँ पे इंटर कर देना है और सारा डिटेल इंटर करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंटर कर दोगे। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है इस वेबसाइट के लिए और सेम पासवर्ड को यहाँ पे री इंटर करके कंफर्म भी कर लेना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाता है SMS में, वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अगर आपने ईमेल आईडी इंटर किया था, वैसे तो ऑप्शनल था इंटर करना, तो उस ईमेल आईडी पे भी आपको ओटीपी रिसीव होता है। आप ईमेल ऐप ओपन करके ओटीपी चेक कर लोगे और यहाँ पे इंटर कर देना है। सेपरेट सेपरेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आए हुए ओटीपी को इंटर करने के बाद वेरीफाई कर लेना है। इस तरीके से मैंने ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब अकाउंट पे रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करने के लिए जिस भी मोबाइल नंबर के साथ आपने अकाउंट क्रिएट किया है, साइन अप किया है, वो मोबाइल नंबर आप इंटर कर दोगे। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था वो आपको इंटर कर देना है। नीचे कैप्चा टाइप कर देना है जो कि यहाँ दिखाई देता है और रिक्वेस्ट ओटीपी इस पे क्लिक करना है। अब पहले जो आपको ओटीपी आया था वो साइन अप करने के लिए आया था SMS में। अब यहाँ पे आप लॉगिन करने के लिए फिर से जो नया ओटीपी आया होगा SMS में वो इंटर करके लॉगिन कर लोगे। इस तरीके से आप वोटर आईडी कार्ड के वेबसाइट पर रजिस्टर करके लॉगिन हो जाते हो। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भी दिखाई देगा जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है। अब यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, करेक्शन करने के लिए फॉर्म 8 फिल करना होगा। सिंपली आपको फिल फॉर्म 8 इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अदर इलेक्टर चूज कर लेना है। अदर इलेक्टर चूज करने के बाद आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर कर दोगे। वोटर आईडी कार्ड नंबर को ही ईपिक नंबर भी कहा जाता है। वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप नंबर इंटर करके सबमिट करते हो आपके वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा हुआ सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। ओके कर लेना है। यहाँ आपको पार्ट नंबर, सीरियल नंबर दिखाई देता है। यहाँ पे अब आपको चूज करना होगा किस चीज के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो। अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस शिफ्ट हुआ है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और अगेन आपको चूज करना होगा कि विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एड्रेस शिफ्ट हुआ है या फिर आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे एड्रेस शिफ्ट नहीं हुआ है, मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। इसके अलावा नीचे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप वोटर आईडी कार्ड का रिप्लेसमेंट चाहते हो बिना कोई करेक्शन का, तो आप नया वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर कर सकते हो फ्री में। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसे भी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करके ओके कर लेता हूँ। मुझे सिंपली मोबाइल नंबर चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको अपने वोटर आईडी कार्ड का डिटेल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टेप A2 स्टेप E देखने को मिल जाता है। हर स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको सेल्फ चूज कर लेना है, अगर आप वो मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे चूंकि आपका है। इसके अलावा अगर आप फादर, मदर या फिर किसी अदर रिलेटिव का मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे तो आप इसे भी चूज कर सकते हो। आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। सिमिलरली अगर आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करा रहे तो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है और ईमेल आईडी इंटर कर देना है। नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको स्टेप C में
जो आपने ऑप्शन चूज किया होगा वो देखने को मिल जाएगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। अब यहाँ पे आपको मेन चूज करना होगा कि किस टाइप का करेक्शन आप करवाना चाहते हो। आप नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ भी करेक्ट करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। और यहाँ पे जो भी आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट और चीजें अपलोड करनी होंगी। अब नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे मुझे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो कि मुझे अपडेट कराना है, और जिस मोबाइल नंबर के साथ मैंने इस वेबसाइट पर अभी रजिस्टर किया था वही मोबाइल नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे सेंड ओटीपी इस पे क्लिक करना है, मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा फिर से एसएमएस में, वो एंटर कर देना है और वेरीफाई कर लेना है। अगेन नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पे मुझे डेट देखने को मिल जाता है, मुझे अपना प्लेस एंटर कर देना है यानी कि सिटी का नाम। नेक्स्ट कर लेना है। आप स्टेप सी में पहुंच जाते हो, सबमिशन स्टेप में। यहाँ पे आप कैप्चा एंटर कर दोगे। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हो और नया कैप्चा लोड कर सकते हो। कैप्चा एंटर करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का फॉर्म 8 ओपन होके आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, सारी चीजों को आप वेरीफाई कर लोगे फॉर्म में देख करके आपने सही से फिल कर लिया है। अगर आप अभी भी कोई करेक्शन करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो फॉर्म में, तो आप कीप एडिटिंग पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ मैं सबमिट कर देता हूँ, सारी चीजें मैंने वेरीफाई कर ली है, सही है। अगेन आपको यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के मिल जाता है और यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हो अपने एप्लीकेशन का। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो यहाँ पे ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको ऊपर में एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। अब इस एक्नॉलेजमेंट नंबर का क्या यूज है, आप इसके माध्यम से अपने सबमिट किए हुए एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए आप वापस से इसी वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देता है, इस पे क्लिक कर लेना है। और जो भी रेफरेंस नंबर आपको मिला था आप कभी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है और सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो।